देखिएगा, यूपी जुडिशरी का हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़। आप लोगों में बहुत ही हतोत्साहित हैं आप लोग यूपी का कैलेंडर देखते हुए, लेकिन यूपी में वैकेंसी तो आएगी ही, आ जाए या कल, इसलिए तैयारी करते रहना चाहिए। और उसके बाद उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये प्री का जो चल रहा है आपका टेस्ट सीरीज़, उसमें 15th मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है, सल्यूशन के साथ। और सल्यूशन में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स एसोसिएटेड और सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। ये देखिए, इसमें मेजर लॉ एरिया और जो है आपका 10 सब्जेक्ट यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स में जिस तरीके से पूछा जाता है उसको देखते हुए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7500110314 पे कॉल या क्वेरी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से शेड्यूल चल रहा है आपका। आप अभी जो है 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5ों मॉक टेस्ट का आपको प्रीवियस सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ आपका जो है मॉक। उसके आगे से आपका 7th मॉक आपका से 15th को शेड्यूल है, फिर 7th 22nd को है, 8th जो है 29th को शेड्यूल्ड है, फिर 6th को है 9th मॉक। हर हफ्ते आपका मॉक टेस्ट है, और 15th मॉक देखिए 17 अगस्त तक इसको किया गया है। तो देखिए, ये बीच में गैप देने का ये भी मकसद है कि आप अपनी गलतियों को सुधारिए और नए सिरे से नया मॉक दीजिए, ताकि अगर बहुत ही कम समय में शेड्यूल किया जाएगा तो आप उसको अपनी गलतियों को सुधारने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए हर वीक ये मॉक किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज आप देखते हैं एक इसके जो है डेमो के तौर पर 15 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जिस तरीके से आपको दी मिल रहा है। ऑल मर्डर इज़ कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर, ये कथन किसका है और किस केस में दिया गया है? तो ये यरेग वर्सेस गोविंदा का बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, जिसमें जस्टिस मेलविले ने ये बात कही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड? तो इसमें जो है प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर जो है वो पनिशेबल नहीं है, बाकी सारी पनिशेबल हैं। होमिसाइड का मतलब होता है मैन स्लॉटर, ठीक है। होमिसाइड का इसमें मतलब पूछा गया है, तो होमिसाइड का मतलब होता है मैन स्लॉटर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, इफ़ अ चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज इज़ अबैंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स एंड द चाइल्ड डाइज, द पेरेंट कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर? तो इसमें पूछा गया है किस किस मामले में प्रोसिक्यूशन या केस जो है वो आगे चल सकती है। तो देखिए, मर्डर का भी चार्ज लग सकता है गिवन सिचुएशन में, कल्पेबल होमिसाइड का भी चार्ज लग सकता है गिवन सिचुएशन में, ऑफेंस अंडर 317 भी हो सकता है। तो इसमें जो है आपका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, अ बुलक कार्ट कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर इज इंटरप्रेटेड बाय ए, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड। बुलक कार्ट जो है बॉक्स ऑफ ट्रेजर उसमें रखा हुआ है, अब बुलक को अपने हिसाब से उसको ए खींच रहा है, ठीक है। तो वो ऑफेंस कब कंप्लीट होगा? जब बुलक अपने डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बुलक इज मेड टू मूव बाय हिम इन हिज डायरेक्शन। अब देखिए, थेफ्ट में क्या एसेंशियल नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो थेफ्ट हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी किस चीज़ का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है? तो वो एक्सटॉर्शन में आ जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफेंडर्स फॉर द कमीशन ऑफ रॉबरी इज, तो कोई मिनिमम नंबर इसका, एक 1 पर्सन कैन ऑल्सो कमिट रॉबरी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सुरजीत मीट्स गोपी ऑन हाई रोड, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड गोपीज पर्स, गोपी इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स, हियर सुरजीत हैज़ कमिटेड। तो उसने गोली को दिखाते हुए उसका पर्स डिमांड किया, ये एक तरह का क्या हो गया? रॉबरी हो गया, ठीक है। मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकैती, ये सेक्शन 399 में आपका दिया हुआ है, तो प्रेपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 399। एक्स फाइंड्स 1000 नोट ऑन पब्लिक रोड, ही डज नॉट नो टू हुम द नोट बिलोंग्स, एक्स पिक्स अप द नोट। तो ये क्या ऑफेंस हो जाएगा? ये कोई ऑफेंस नहीं होगा,
क्योंकि एज लॉन्ग एज उसने बस रखा है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है मिस अप्रोप्रिएट करने का, तब तक कोई ऑफेंस कमिट नहीं होगा। ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपका सेक्शन 405 में डिफाइन किया गया है। मिसचीफ का पनिशमेंट जो है, मिनिमम पनिशमेंट इसमें पूछा गया है 3 महीने है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी जुडिशरी में, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। देखिए न्यू इलेक्टेड जो है WTO की डायरेक्टर जनरल, उनका नाम पूछा गया है, तो उनका नाम है नगोजी ओकोंजो इविलिया। वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं WTO की और अफ्रीकन भी हैं, फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट इंडियन सॉरी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल तो हैं नगोजी ओकोंजो इविला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, WTO को किस चीज़ से प्रिसीड किया गया है। WTO आने से पहले क्या चीज़ था जो गवर्न करता था इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस को, तो वो था GATT, ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको डिज़ाइन किया गया है। मैं सोल्यूशन के तौर पे बताऊँ, जिस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो जैसे हमने देखा 14 में कि 14 का ऑप्शन ए है नगोजी ओकोंजो इविलिया, तो आपको सोल्यूशन में ये भी प्रोवाइड किया जाएगा कि नगोजी ओकोंजो इविला जो हैं वो 7th डायरेक्टर जनरल बनी हैं और वो रोबोटो एज अ वर्ड जो 6th WTO के डायरेक्टर जनरल थे उनको वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद इनका जो है ये बनी है, ठीक है। ये अफ्रीकन है, नाइजीरियन है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सोल्यूशन में। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जो तैयारी को एक थोड़ा अलग से इम्पेटस दें और अपने आप को हतोत्साहित ना करते हुए हमेशा लगे रहने, जुझारू रहने वालों का ही सिलेक्शन होता है अल्टीमेटली, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेरी ले सकते हैं 7500110314 पे।